नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल पेज। बात करेंगे चुनावों की जो राजस्थान में होने हैं, लेकिन उसकी सरगर्मियां हरियाणा में भी देखी जा सकती हैं। और बात कर रहे हैं हम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की। तो क्या भूपेंद्र यादव को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बीजेपी के विधायक और सांसद चाहते हैं कि जो राजस्थान में बीजेपी में जो फूट है उसको साधने के लिए भूपेंद्र यादव को आगे लाया जाए। और भूपेंद्र यादव को अगर राजनीति के तौर पर देखा जाए तो वो भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है जिस तरह से भूपेंद्र यादव को लेकर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा का राजनीति में दबदबा भी दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में जिस तरह से भाजपा की फूट को लेकर जिस तरह टिकट के बांटे गए और उसके बाद में कई जगह विरोध देखने को मिला, हालांकि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उस जो फूट है या जिस तरह से जो राजनेताओं में आपसी फूट को खत्म करने के लिए तैयारी भी की जा रही है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनकी तरफ से भी जो अपने नेता हैं तमाम उन नेताओं को समझाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है कि राजस्थान के दो सांसद भूपेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है और कई विधायक भी इसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से वसुंधरा राजे और गौतम में अलग अलग बीजेपी के नेता बटे हुए हैं उसको साधने के लिए क्या भूपेंद्र यादव को आगे लाया जा सकता है। और ऐसे में अगर उनको आगे लाया जाता है तो हरियाणा से एक और मुख्यमंत्री राजस्थान के होंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो राजस्थान में भी हरियाणा के भूपेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं।